तो हे गाइस वेलकम बैक। तो भाई लोग आज हम फिर से लौटे बैक नई GTA वीडियो के साथ। तो गाइस आपने देखा था अभी लास्ट का जो हमारा लास्ट वीडियो का जो हमारा ट्रैक था, ऑब्स्टिकल ट्रैक था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। आपने देखा कितना इंटरेस्टिंग रेस था। तो गाइस आज हम लोग वही सेम ट्रैक यूज़ करने वाले गाइस, लेकिन आज करने वाले हम लोग इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। तो गाइस हम लोग देखने वाले इंडिया वर्सेज पाकिस्तान में कौन सी जो कार है गाइस वो पोडियम फिनिश करती है पहले। क्या पाकिस्तान की कार्स ऑफ रोडिंग में ऑब्स्टिकल वाले रेस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर अपनी इंडियन कार। तो गाइस ये वाले रेस में होने वाला है भाई स्कूल में लोकल 7 vs 7। तो गाइस 7-on-7 मैच है ये, और देखेंगे गाइस कि इनमें से कौन सी कार जीतती है, क्या हमारी इंडिया की साइड जीतती है या फिर पाकिस्तान। गाइस आप देख ही सकते हो गाइस अपनी रेस होने वाली है शुरू, यहाँ पे लाइनअप हो चुका है गाइस हमारे इंडिया और पाकिस्तान की कार्स का। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेस होने वाली है भाई, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस एंड तक देखना ज़रूर। अरे भाई 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 मेरे पहले लग गए। तो गाइस मैं दूर हटना चाहूँगा यहाँ से पहले, और आप देख सकते हो गाइस पहले बलेनो अपनी, अरे माँ भाई बलेनो की देखो, अरे बाप रे बाप क्या ही हालत हो गई यहाँ पे, बहुत ही खतरनाक सीन हो चुका है भाई यहाँ पे। अरे भाई बलेनो हट जा साइड में। गाइस यहाँ पे अपन अटक चुके हैं, मेरे को भी अटका दिया गया है यहाँ पे। और गाइस पहले पोजीशन पे अपनी एक्टिवी 700, सेकंड पोजीशन पे अपनी पाकिस्तान की कोरोना, और तीसरे पोजीशन पे अपनी इंडिया से इंडिया। गाइस बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रेस है गाइस ये, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो गाइस आप देख सकते हो गाइस फिलहाल थार भी पहुँच चुके हैं इंडेवर और थार में इंडेवर निकल चुके हैं गाइस हमेशा की तरह। भाई इंडेवर के मतलब मेरे को तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है गाइस इंडेवर से ये वाली रेस में। यहाँ पे अपनी एक्टिवी 700 आ रही है, उसके पीछे है गाइस कोरोला, और भाई अपनी थार मर मर के पहुँच गए यहाँ पे। गाइस आप देख सकते हो गाइस एंडेवर फिर से निकल चुके हैं यहाँ पे अपनी, और उसके पीछे है गाइस पाकिस्तान की कोरोला, यहाँ पे अपनी एंडेवर अटक चुके हैं। भाई क्या ही सीन होने वाला है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे भाई एंडेवर फिर अटक गई है भाई, क्या बोलूँ मैं अभी गाइस, तो बहुत ही खतरनाक चल रही है भाई ये रेस। और कोरोला तो भाई क्या ही बोलूँ गाइस, कोरोला जैसी कार भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस दिखा रही है गाइस ये वाले रेस में। और एंडेवर फिलहाल इंडिया की एंडेवर सबसे आगे गाइस, तीसरे नंबर पर अपनी इंडिया की एक्सयूवी 700, और चौथे नंबर पर अपनी इंडिया की थार, उसके बाद सारे पाकिस्तान की कार्स है दोनों 5th और 6th पोजीशन पे। यहाँ पे भाई जाके इंडेवर थोड़ी ये हो गई है भाई, थोड़ी पीछे हो गई है गाइस। यहाँ पे भाई अपनी कोरोला, और आप देख सकते हो गाइस वहाँ पे पाकिस्तान की कोरोला और अपने इंडिया की एक्सयूवी 700 में काफ़ी घमासान मुकाबला चल रहा है यहाँ पे। और गाइस काफ़ी कट टू कट चल रही है, सिर्फ अपनी इंडेवर काफ़ी ज़्यादा आगे आ चुकी है गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या ही छलांग लगा रही है भाई, एक छलांग लगा रही है भाई। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रेस है भाई, आप देख सकते हो गाइस अपनी एंडेवर बहुत ही ज़्यादा आगे आ चुकी है। यहाँ पे पीछे मुझे कोई भी कार नहीं दिख रही है अभी फिलहाल, एंडेवर हो चुकी है भाई पलटी यहाँ पे। क्या अपनी पाकिस्तान की कार, और ये पाकिस्तान की प्यार मुझे दिख गई है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे एंडेवर फंस चुकी है भाई बुरी तरीके से, और भाई अपनी जो पाकिस्तान की कार है गाइस वो आने स्टार्ट हो चुकी है भाई यहाँ पे, मेरे हिसाब से भाई लीड ले लेगी। और भाई एंडेवर निकल चुकी है भाई यहाँ से फुल स्पीड में तभी तक के लिए। गाइस यहाँ पे अपनी जो पहला लैप है गाइस वो हो चुका है ऑलमोस्ट, मतलब यहाँ पे अपनी जो पहला लैप है गाइस वो एंडेवर मोस्टली शायद फर्स्ट कंप्लीट करेगी भाई, उसके पीछे है गाइस अपनी कोरोला पाकिस्तान की साइड पे, और गाइस तीसरे पोजीशन पे है अपनी इंडिया की एक्टिवी। बहुत ही ज़्यादा एक डेंजर रेस होने वाली है भाई ये वाली रेस, ज़्यादा खतरनाक है। आप देख सकते हो भाई क्या ही भगा रहा है भाई अपने एंडेवर वाला, बहुत ही तगड़ा भगा रहा है यहाँ पर। और भाई ये रही, तो गाइस यहाँ पर लेफ्ट लेने का अपने को, अच्छा मैं आगे जाने वाला था। गाइस यहाँ पे अपनी एंडेवर भाई पहले लैप में भाई पहला कंप्लीट किया गाइस, सेकंड पोजीशन पे आप देख ही सकते हो गाइस अभी तक कोई आया नहीं यहाँ पे, सेकंड पोजीशन पे अपनी कोरोला आ चुके, और एक्सयूवी 700 को काफ़ी बड़ी लीड दे दिया गया इसको। गाइस यहाँ पे अभी मेरे हिसाब से मुकाबला तो होने वाला है अपनी एंडेवर और पाकिस्तान के कोरोला के बीच। तो गाइस ये तो राउंड वन है गाइस, इसके बाद हम लोग एक और राउंड करेंगे गाइस ऐसे ही टाइम पास के लिए, एक राउंड बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाएगा गाइस, इसलिए अपन राउंड टू भी करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है राउंड टू में भी। तो गाइस वीडियो एंड तक देखना ज़रूर। अभी यहाँ पे अपनी एंडेवर में पहले ही फुल स्पीड में निकल चुकी है, बहुत ही भाई तगड़ी रेस चल रही है यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई क्या ही भाई परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई अपनी एंडेवर। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी एंडेवर अभी भी काफ़ी बड़ी लीड में है, यहाँ पे कांच वाच टूटने की मुझे आवाज़ आ रही है भाई यहाँ पे। और गाइस यहाँ पे भाई कूद गई है अपनी एंडेवर, गाइस आप ये साइड पर देख सकते हो गाइस कोई भी कार नहीं दिख रही यहाँ पे, सेकेंड पोजीशन पर अभी भी कोरोला है, यहाँ पे अपनी एंडेवर फंस चुकी है भाई साहब एकदम एंड में आके फंस गई, यहाँ पे कोरोला आ चुकी है भाई पीछे से, क्या ये लीड लेगी भाई, मेरे को तो लग रहा है भाई खींच लेगी, मैं हट जाऊंगा साइड में यहाँ से। तो भाई मेरे हिसाब से कोरोला, अरे भाई कोरोला और भाई आ चुकी है भाई, क्या ही कमबैक किया। तो गाइस अभी मैच तो है अपनी कोरोला और अपनी एंडेवर के बीच में, कट टू कट होने वाला है गाइस ये वाला मैच। और गाइस पीछे एक्सयूवी 700 जो तीसरे पोजीशन पर है गाइस, काफ़ी पीछे है गाइस अभी, तो भाई तीसरे पोजीशन पर अपनी क्रिस्टा आ चुकी है भाई, एंडेवर थी वो तो चली गई है, एंडेवर क्या बोल रहा अपनी जो एक्सयूवी 700 थी गाइस उसको लीड ले लिया गाइस, तो एक्सयूवी 700 को थार ने भी लीड ले लिया भाई, कोरोला फिर हो चुकी है भाई पीछे।
और गाइस कोरोला और इसने भाई काफ़ी बड़ी लीड दे दिया भाई एंडेवर ने। तो गाइस एंडेवर तो भाई बहुत ही आगे निकल गई है। तो गाइस हम लोग एंडेवर को कैचअप करने जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस कोरोला वहाँ पे घुस चुके वापस। अरे भाई कहाँ गया भाई भाई भाई। तो गाइस यहाँ पे अपनी एंडेवर का पीछा करने जा रहे हैं अपन। और गाइस काफ़ी आगे निकल चुकी है अपनी एंडेवर। आप देख सकते हो गाइस क्या ही लीड दिया भाई अपनी एंडेवर ने। वहाँ पे जा रही है वो देखो मर मर के पहुँच रही है बेचारी अपनी एंडेवर। यहाँ पे एक ही कार है भाई अपनी इंडिया से जिसने अपना नाम बचा लिया। गाइस यहाँ पे एंडेवर ने बहुत ही बड़ी लीड दे दी है गाइस। पीछे भाई कोरोला अभी भी आ रही है भाई। कोरोला ने भाई बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया। तो मोस्टली तो अपनी एंडेवर यहाँ पे जीतने वाली है गाइस। आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी लीड है। और यहाँ पे थोड़े ही आगे अपनी रेस होती है भाई एंड, क्योंकि गाइस सिर्फ 2 लाख की रेस है ये। ज़्यादा बड़ी लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रेस। गाइस आप देख सकते हो भाई एंडेवर काफ़ी मस्त लीड लेके भाई भगा रहा है भाई अपना ड्राइवर यहाँ पे। और भाई यहाँ पे अपना रेस हो जाती है भाई एंड लेफ्ट में। यहाँ पे लेफ्ट जैसे ले ली गाइस वहाँ पे अपना फिनिशिंग पॉइंट है। तो मोस्टली भाई अपनी एंडेवर ने भाई कर दिया है कमाल। यहाँ से निकलना है बस उसको। और गाइस मेरे हिसाब से तो भाई कर गई। तो गाइस एंडेवर पहुँच चुकी है भाई पहले पोजीशन पे। गाइस फर्स्ट पोजीशन अपनी इंडियन कार से इंडियन कार आ चुकी है गाइस। सेकेंड पे देखते हैं गाइस कौन आता है। यहाँ पे सेकेंड पे है मेरे हिसाब से कोरोला है ये भाई, क्योंकि गाइस कोरोला ही थी अपने आगे। यहाँ पे मैं देखता हूँ गाइस पीछे जाके। तो गाइस आ चुकी है अपनी कोरोला यहाँ पे। गाइस सेकंड पोजीशन से है पाकिस्तान की कोरोला टोयोटा की। तो गाइस सेकंड पोजीशन आ चुकी है अपनी पाकिस्तानी कार। तो गाइस थर्ड पोजीशन पे चेक करते हैं गाइस कौन सी कार आती है। यहाँ पे थोड़ा मैं पीछे लेके जाता हूँ भाई यहाँ पे देख लेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे आ चुकी है अपनी तीसरी कार, ये भी पाकिस्तान की है भाई। क्या ही लीड दे भाई। तो गाइस ये थार विस्टा विस्टा सब चल दिया भाई यहाँ पे। ये कहाँ से आ गए पता नहीं गाइस। तो ये कौन सी कार अचानक से आ गए मुझे भी नहीं समझा। तो गाइस ये रही पाकिस्तान की होंडा सिटी। ओ भाई पाकिस्तान की होंडा सिटी आई है तीसरे नंबर पे। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था भाई ये वाला। यहाँ पे जो अपनी क्रिस्टा थार वार थे सब पता नहीं कहाँ घुस गए। तो गाइस ये आ रही अपनी थार बहुत ही बेकार डिसअपॉइंट हो चुकी है लगता है थार। तो गाइस चौथे पोजीशन पे आ चुकी है थार। पाँचवें पोजीशन पे फिर आ रही है भाई अपनी कौन सी कार है ये अपनी इंडियन वेन्यू है शायद से। कंडीशन देखो गाइस आप इनकी। गाइस वेन्यू आ चुकी है गाइस ऑलमोस्ट फिफ्थ पोजीशन पे। पीछे जाके चेक करते हैं गाइस कौन सी कार किधर है अपनी। ये कहाँ रह गई अपनी इनोवा। विनोवा इतनी मस्त चल रही थी एंड में कहाँ धोखा दे गए। तो गाइस ये आ रही कौन सी कार, ये अपनी एक्सयूवी 700 थी शायद या फिर शायद से एक्सयूवी 700। गाइस यहाँ पे देखो आप बहुत सारे कार्स आ रहे हैं भाई एक बैक टू बैक। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये रही अपनी पाकिस्तान की मेरा, उसके बाद अपनी स्विफ्ट, उसके बाद इनोवा आ रही है भाई। इनोवा ने इतनी मस्त लीड दी थी लेकिन पता नहीं गाइस एंड में इसको क्या हो गया भाई। एंड में आके भाई हैंड बच गए इसकी। तो गाइस फिफ्थ पोजीशन पे अपनी वेन्यू है, सिक्स पोजीशन पे अपनी एक्सयूवी 700 है गाइस। और उसके बाद आने वाली है गाइस अपनी, मैं यहाँ से देख लेता हूँ। बस मेहरान आ चुके हैं पाकिस्तान से, उसके बाद क्रिस्टा और फिर आती है बलेन। बस 9 कार्स ने ऑलरेडी रेस कर दी है भाई कंप्लीट। अब देख ही सकते हो गाइस और ये 2 कार्स और आ रहे हैं यहाँ पे। आप देखेंगे यहाँ पे कौन सी कार है ये। बस ये भी अपनी इंडिया से ही है भाई। ये कौन सी कार है भाई, ये अपनी कंपस है गाइस। उसके बाद हीलक्स आती है भाई पाकिस्तान की। और भाई यहाँ पे एंड में भाई बहुत ही ज़्यादा इन गाइस, फिर भी अपनी इंडियन कार ने खींच लिया उसको। और भी कार्स आने बाकी है शायद से। तो गाइस बाकी के कार्स मेरे हिसाब से डिसक्वालीफाई हो चुके हैं भाई। मेरे को नहीं लगता इन लोग करेंगे बाकी के कार्स। तो गाइस यहाँ पे अपनी जो इंडियन कार्स है गाइस उन्होंने मैक्सिमम मतलब जो टॉप पोजीशन जिसने लिया है गाइस वो है अपनी इंडियन कार जो है अपनी एंडेवर। तो गाइस एंडेवर ने अपनी नाक बचा लिया गाइस। आप देख सकते हो मैप पे एक और कार आ रही है यहाँ से। कौन सी कार है अपन चेक करते हैं गाइस। लेफ्ट साइड से राइट से आ रही है गाइस एक और कार यहाँ पे। आप देख सकते हो एक कार आ रही है मैप पे। देखते हैं गाइस इसको भी कंप्लीट करने दो गाइस। चेक करते हैं भाई कौन सी कार है ये। ये रही आ गए। तो गाइस ये भी पाकिस्तान की कार है गाइस। ये शायद रिवर्स है पाकिस्तान से। तो गाइस कोई बात नहीं गाइस। तो गाइस अभी तक फिलहाल हीलक्स के बाद अभी देखते हैं कौन सी कार आ रही है। शायद पाकिस्तान से है ये गाइस। हाँ पर भाई ये पाकिस्तान की कार है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान की सिविक है शायद से। तो गाइस पाकिस्तान की सिविक ने भी कर दिया ये इस कंप्लीट। तो गाइस इसी के साथ जो अपना राउंड वन है गाइस क्लियर कट विनर हमारे इंडियन कार है गाइस, क्योंकि एंडेवर जीत चुकी है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर पे आ चुकी है पाकिस्तान की कोरोला और तीसरे नंबर पे सिटी पता नहीं भाई क्या ही कमबैक की सिटी ने अपनी थार और जो इनोवा थी गाइस उसको काफ़ी बड़ी लीड दे दी भाई एंड में एंड मोमेंट पे आके खींच ली। तो गाइस इसी के साथ जो अपने पहले राउंड के विनर है गाइस हमारी पाकिस्तानी कार। तो गाइस अभी बढ़ते हैं अपन सीधा सेकंड राउंड की ओर। तो गाइस ये रहा अपना सेकंड राउंड होने वाला है स्टार्ट यहाँ पे। अब देख सकते हो गाइस लाइनअप और भाई सेकंड राउंड हो चुका है स्टार्ट यहाँ पे। तो गाइस पहले नंबर पे अपनी महिंद्रा की थार इस बार।
और भाई ये रही, अरे बाप रे बाप। तो गाइस आप देख सकते हो भाई क्या ही उड़ रहे हैं भाई इन लोग यहाँ पे, खतरनाक गाइस, बहुत ही खतरनाक सीन हो चुका है यहाँ पे। एंडेवर की बैंड बच चुके गाइस, जिसमें पतली गली पकड़ के निकली है अपनी हार पिस्टल और XUV700 ने भाई काफ़ी मस्त निकल गई है पतली यहाँ पे भाई अपनी जो। अरे भाई ये क्या हो गया, XUV700 अंदर धस चुके हैं भाई, अपने XUV700 अंदर धस चुके। अरे भाई निकले गाइस, एंडेवर, थार, इनोवा, क्रिस्टा और गाइस अपनी पहुंची है भाई थार। अबे थार को वापस लीड ले लिया भाई रूस ने, एंडेवर ने। तो गाइस एंडेवर भाई वापस कम बैक करिए, लगता है इस बार पोडियम फिनिश फिर से अपनी एंडेवर करेगी। यहाँ पे थार और उसमें काफ़ी ज़्यादा मुकाबला तगड़ा चला है, लेकिन थार है गाइस उसके जो सस्पेंशन है काफ़ी हार्ड साइड पर आते हैं गाइस, थोड़ा दिक्कत आती है यहाँ पर। और भाई ठोक दिया अपने एंडेवर को यहाँ पर गाइस, एंडेवर, इनोवा, क्रिस्टा और थार के बीच में काफ़ी तगड़ा मुकाबला चल रहा है। अरे भाई मेरे को क्यों ठोक रहे भाई, अरे भाई 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 ये XUV700। तो गाइस पाकिस्तान की कोई भी दिख रही नहीं है मुझे अभी यहाँ पे, कोरोला पाकिस्तान की काफ़ी पीछे हो गई है भाई इस बार। लास्ट मैच में काफ़ी सही परफॉर्म दिया था भाई यहाँ पे इनोवा और एंडेवर काफ़ी। तो गाइस पहले पोजीशन पे थार है अभी भी फिर से भाई इस बार, तो भाई मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है अपने इंडियन कास्ट के बीच में ही मुकाबला है मेरे हिसाब से तो। लेकिन गाइस इस बार भी मैं कुछ बोलूँगा नहीं, क्योंकि गाइस एंड मोमेंट पे, जैसे कि आपने लास्ट मैच में देखा था गाइस, एंड मोमेंट पे भाई जो अपनी हार है गाइस उसको और इनोवा क्रिस्टा को भाई एंड मोमेंट पे लीड ले लिया था। इस बार भी हम लोग कुछ बोलेंगे नहीं गाइस, एंड में देखेंगे गाइस क्या होता है। ये तो फिलहाल पहले ही लाप है गाइस, इसमें कुछ भी अपन कीड़े कांडी नहीं करेंगे गाइस। यहाँ पे आप देख सकते हो अपनी एंडेवर यहाँ पे अटक चुकी है फिर से गाइस। यहाँ पे हम लोग थोड़े लेफ्ट में लगा देंगे गाड़ी को और चेक करते गाइस अपनी एंडेवर आ रही है गाइस पहले पोजीशन पे गाइस, क्या बात है गाइस, लीड लेना स्टार्ट कर दिया गाइस। सेकंड पोजीशन पे आ रही है अपनी थार, तीसरे पोजीशन पे भी अपने इंडियन कार्स ही है गाइस। तो निकलते हैं भाई अपन आगे यहाँ से फुल स्पीड में। आप देख सकते हो भाई राइट में गाड़ियाँ उड़ रही है भाई, बहुत ही डेंजर वाली गाइस। यहाँ पे भाई क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं अपने इंडियन कार्स। और भाई यहाँ पे अपना जो कौन सी गाड़ी थी भाई, एंडेवर बहुत ही आगे निकल चुकी है भाई, काफ़ी आगे निकल चुके हैं भाई। तो गाइस यहाँ पे अपन देख सकते हो आप एंडेवर को क्या ही परफॉर्मेंस दिखा रही है भाई अपनी एंडेवर, राइट में घुस चुकी है गाइस। सेकंड पोजीशन पे है अपनी थार, तीसरे पोजीशन पे है अपनी XUV700, फिफ्थ पोजीशन पे है अपनी फोर्थ पोजीशन पे। तो गाइस इस बार भी मेरे हिसाब से तो एंडेवर ही जीतेगी। अभी बात आती है गाइस सेकंड और थर्ड या सेकंड और थर्ड पोजीशन की, वो देखते हैं गाइस कौन सी आते हैं। अभी तक गाइस पाकिस्तान की जो कार सबसे जो भाग रही है सबसे आगे वो है अपनी सिटी, के बाद जो लास्ट की जो विनर थी पाकिस्तान की जो कार है गाइस वो इस बार काफ़ी पीछे गाइस 11th पोजीशन पे है गाइस। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे मेरा पोजीशन को हटा दो और एक को माइनस करो पोजीशन, तो आप देखोगे कोरोला है अपनी 11th पोजीशन। और गाइस यहाँ पे भाई एंडेवर क्या ही निकल रही है भाई यहाँ पे। तो गाइस मैं भी इस बार चेक करता हूँ, देखता हूँ गाइस कैसा रूट है ये, यहाँ पे ख़तरनाक जा रही है भाई अपनी जीप रूबिकॉन। जीप रूबिकॉन होती तो एंडेवर उसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा रेस होता भाई यहाँ पे, ख़तरनाक। और भाई यहाँ पे अपनी जो रूबी एंडेवर है गाइस वो हो चुकी है भाई अभी फ़िलहाल, अभी भी फर्स्ट पोजीशन पे। यहाँ पे मैं वेट करूँगा फिर देखेंगे गाइस क्या सीन है। आप गाइस एंडेवर आ चुकी है गाइस, आप देख सकते हो कि जो पीछे वाली कार क्या ही लीड दी है गाइस इसको। तो गाइस एंडेवर का तो कन्फर्म है गाइस इस बार, अब एंडेवर कहाँ घुस गए, एंडेवर ने रॉन्ग वे ले लिया, शायद वापस आना पड़ेगा उसको यहाँ पे। आ चुकी है गाइस एंडेवर वापस यहाँ पे, तो गाइस एंडेवर ने रॉन्ग वे ले लिया था भाई। यहाँ पे अपनी सेकंड पोजीशन पे आ चुकी है भाई थार, और गाइस तीसरे पोजीशन पे है अपनी XUV700। तो गाइस सेकंड पोजीशन पे लास्ट टाइम भी थार थी, लेकिन गाइस एंड मोमेंट पे भाई दूसरी कार ने आके उसको खींच लिया है यहाँ पे। तो गाइस अभी देख सकते हो गाइस अभी भी अपनी जो एंडेवर है गाइस काफ़ी सही भगा रहा है भाई बंदा उसको। गाइस मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ, तो गाइस देखते अरे भाई भाई, तो गाइस यहाँ पे मेरे को गलती से ठोक दिया गया है। तो गाइस थोड़ी स्पीड कम हो गई अपनी एंडेवर की, लेकिन कोई बात नहीं, पाकिस्तान की कोई भी कार मुझे अभी दिख रही नहीं। पाकिस्तान के जितने भी कार है गाइस सब लास्ट पोजीशन पे है फिलहाल। तो गाइस ये राउंड टू में पाकिस्तान के कार्स ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, मुझे लगा एटलीस्ट थोड़ा टफ होगा इस बार लास्ट टाइम की तरह, लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। गाइस देखते हैं क्या होता है गाइस अभी भी। गाइस ऑलमोस्ट रेस ख़त्म होने वाली है यहाँ पे थोड़ी देर में, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको राइट में जाके लगा दूँगा। तो गाइस ये आ रही है अपनी इंडियन एंडेवर के बाद, देखते हैं गाइस कौन सी कार आती है गाइस। उसके बाद जो भी पोजीशन की कार है गाइस आप देख सकते हो ये अभी तक यहाँ पे भी नहीं पहुँचे उन लोग की, वहीं पर पंगा चल रहा है। एंडेवर निकल चुके हैं, तो गाइस हम लोग एंडेवर को ही फॉलो करेंगे इस बार भी, या फिर थोड़ी देर अपन रुकते हैं यहाँ पे थोड़ा पीछे आने का इनका वेट करते हैं गाइस, क्योंकि गाइस अभी एंडेवर को लीड लेना मुश्किल है गाइस। इनके बीच में इंटरेस्टिंग रेस होगी, तो गाइस ये देखने में मजा आएगा। तो गाइस अपनी थार आ चुकी है गाइस सेकंड पोजीशन वाली, गाइस इसने भी काफ़ी बड़ी लीड दी है यहाँ पे।
उसके बाद अपनी XUV 700 आ रही है और गाइज अपनी इनोवा क्रिस्टा। तो गाइज ये तीन में एंड में काफ़ी सही परफॉर्मेंस होने वाला है। गाइज देखते हैं गाइज क्या होता है इनके लिए। गाइज यहाँ पे मैं जीप रूबिकॉन के साथ अपन निकलते हैं यहाँ पे फुल स्पीड में। और भाई आप देख ही सकते हो भाई क्या ही जंप लगा रही है भाई, ऊपर ऊपर को जा रही है भाई, बहुत ही डेंजर। और गाइज आर यहाँ पे भाई, तो गाइज आर अभी सेकंड पोजीशन पर, लेकिन गाइज आप देख सकते हो भाई एंडेवर ने क्या लीड की है भाई। अभी तो भाई एंडेवर को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है गाइज। भाई इसी के साथ जो अपने एंडेवर है मेरे हिसाब से फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगी। तो गाइज आप देखते हैं थार क्या कर रही है यहाँ पे। थार के पीछे कोई गाइज, थार के पीछे आप देख ही सकते हो गाइज, उसके पीछे है अपनी इनोवा क्रिस्टा और उसके पीछे है अपनी 700। तो गाइज ये भी सेकंड पोजीशन भी शायद कंफर्म हो चुका है गाइज, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत ही कम काज हारती है, लेकिन गाइज लीड बहुत ही ज़्यादा है गाइज। तो मेरे को नहीं लगता इसमें थार हारेगी, थार सेकंड आएगी कंफर्म, और मोस्टली थर्ड इनोवा क्रिस्टा आएगी। तो गाइज ये तीन जनों की मोस्टली पोडियम फिनिश कंफर्म हो चुकी है। देखते हैं गाइज क्या होता है। गाइज अभी तक एंडेवर पहुँची नहीं है, पता नहीं क्या सीन है भाई एंडेवर का। एंडेवर इतनी बड़ी लीड दी थी लेकिन अभी तक नहीं पहुँची, क्या थार इसको पूछ पाएगी या नहीं, अपन देखेंगे गाइज क्या होता है इसका। तो गाइज यहाँ पे एंडेवर कहाँ गई है, एंडेवर कहाँ गई है भाई। क्या चमत्कार हो गया भाई। अच्छा एक और लैप है क्या। ओहो भाई मेरे को लगा ये राउंड लास्ट लैप था, वही मैं सोचूं, मैं बोला भाई ऐसा कैसा हो। गाइज एंडेवर को भाई बहुत ही बड़ी लीड दे दी है भाई एंडेवर ने तो अपनी कार को। एक और लैप है भाई यहाँ पे, आप देख सकते हो गाइज। तो अपन एंडेवर को कैच करने की ट्राई करते हैं यहाँ से शॉर्टकट मार के, अपने यहाँ पे रुकते हैं, देखते गाइज एंडेवर किधर है गाइज। तो एंडेवर आप देख सकते हो वहाँ से जा रही है ऊपर से, एंडेवर नहीं सॉरी वो XUV 700 की शायद से। गाइज यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत फॉग आ रहा है गाइज, यहाँ पे तो थोड़ी बहुत ड्राइवर्स को दिक्कत हो सकती है यहाँ पे। और गाइज ये अपनी इनोवा आई, तो गाइज इनोवा ने भाई थार को लीड ले लिया है भाई यहाँ पे। ये आ रही है अपनी कौन सी कार है भाई ये। तो गाइज ये इन लोग को भाई बहुत ही पीछे छोड़ दिया, इन लोग काफ़ी पीछे है ये सब कार, ये सब पाकिस्तान की कार है गाइज। एक तो वहाँ पे उल्टी पड़ गई है शायद से, मेहरान है पाकिस्तान की साइड से। गाइज आप देख ही सकते हो भाई क्या ही लीड दिया। तो गाइज मुझे अभी तक गाइज लीड मतलब जो भी पहले कार है वो अभी तक आई नहीं यहाँ पे। मैं वेट कर रहा हूँ अपनी इनोवा और अपनी बाकी जो सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले कार है उनका। अभी आ रहे लगता है इन लोग यहाँ से, आप देख सकते हो गाइज जंप लगा के आ रहे। तो गाइज यहाँ पे अपनी एंडेवर उड़ उड़ के आ रही है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से भाई क्रिस्टा भी शायद से हो सकता है कि एंड मोमेंट पे लीड ले ले गाइज, क्योंकि मेरे को लग रहा है बहुत ही ज़्यादा क्लोज चल रहा है रेस। तो गाइज ये आ रही है अपनी एंडेवर जो है पहले नंबर पे। सेकंड नंबर वाली भाई कार बहुत ही ज़्यादा पीछे, गाइज थार थी लेकिन थार को खींच लिया गया है यहाँ पे अपनी क्रिस्टा ने, और थार भाई हो चुकी है फोर्थ पोजीशन पे। लगता है गाइज थार की बैंड बजना स्टार्ट हो चुकी है, और एंड में भाई इन लोग पावर बचा के रखते हैं कुछ कुछ लोग गाइज, एंड में लोग अपनी स्प्रिंट मारने स्टार्ट करते गाइज। तो गाइज कुछ तो फट चुका है यहाँ पे खतरनाक, कोई तो गाड़ी फटी है गाइज। कोई बात नहीं, अपन चेक करेंगे एंड में रीप्ले में। एंडेवर अपनी अटक गई है भाई यहाँ पे सेकंड और थर्ड पोजीशन को भी, क्या ही लीड दिया भाई अपनी एंडेवर ने यहाँ पे, आप बहुत ही बड़ी लीड दी है भाई। गाइज यहाँ से गई अपनी एंडेवर। तो गाइज एंडेवर के अपन पीछा तो नहीं करेंगे, अपन चेक करते हैं गाइज दूसरी गाड़ी आने का, क्योंकि गाइज एंडेवर का रेस तो हो मतलब एंडेवर का पोजीशन हो चुका है भाई कन्फर्म यहाँ पे। अभी अपन यहाँ पे चेक करते हैं क्या कुछ दूसरी गाड़ी आ रही है। तो गाइज यहाँ पे आपकी क्रिस्टा आ चुकी है भाई इनोवा की, जो है सेकंड पोजीशन पे। तीसरे पोजीशन वाली कार मुझे कोई भी नहीं दिख रही अभी तक यहाँ पे, कुछ तो कार यहाँ पे दिख रहे जंप मारते हो। तो गाइज अपनी XUV 700 आ रही है यहाँ पे, लेकिन गाइज काफ़ी ज़्यादा पीछे है। तो गाइज मोस्टली यहाँ पे सेकंड पोजीशन हो चुका है कन्फर्म अपने क्रिस्टा का, और गाइज तीसरे जो चौथे पोजीशन पर जो थार है गाइज या फिर XUV 700 इन लोग में से कोई आएगा। तो गाइज यहाँ पे अपन चेक करते हैं गाइज इनका वेट करके ये लीड कितनी है। तो अगर लीड ज़्यादा नहीं रहेगी तो भाई कंफर्म समझ लेने का भाई। तो गाइज XUV 700 लटक चुकी है, पता नहीं क्या सीन हो गया। और भाई यहाँ पे अपनी जो रेस है गाइज वो हो चुकी है ऑफिशियली एंड, पता नहीं क्या हो गया, रेस हो गई ऑटोमेटिकली एंड। शायद से एंडेवर ने भाई रेस कर दी कंप्लीट और भाई रेस कर। तो गाइज आपने अपनी जो XUV 700 वो आई थर्ड पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे आई है अपनी इनोवा क्रिस्टा, और गाइज फर्स्ट पोजीशन पे आई है अपनी एंडेवर। तो गाइज यहाँ पे रेस ऑटोमेटिकली बीच में ही बंद हुई या फिर एंडेवर ने कंप्लीट कर दिया, टाइमर हो चुका है अब इसलिए भाई रेस होके बंद, पता नहीं कुछ तो गड़बड़ हुई। लेकिन गाइज रेस बंद हुई मतलब इसका मतलब जो भी पोजीशन थी गाइज वो पोजीशन के कार जीत चुके हैं गाइज। तो गाइज सेकेंड राउंड में भी अपनी एंडेवर मतलब
पाकिस्तानी काज हार गए गाइस, अपने इंडियन काज ही जीते हैं। तो भाई इस बार के वीडियो में भी अपने इंडियन काज जीते हैं गाइस। तो भाई इसी के साथ जो हमारा आज का वीडियो है गाइस वो होता है यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको आज की ये वाली वीडियो पसंद आई गाइस। अगर आपको आज की वाली वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जाके लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं आपको फिर से मिलूंगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।